उपसभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लगातार इतनी दिन चर्चा हो रही है, इस चर्चा में इस बार धर्म भी आ गया, संस्कृति भी आ गई, शिवजी भी आ गए, शिवजी की बारात भी आ गई, चक्रव्यूह भी आ गया, पद्मव्यूह भी आ गया। तो मैं भी इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की और 9 सूत्री बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ प्रस्तुत किया। तो 9 का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व, 9 सबसे बड़ा अंक है। खजाने में नव निधि होता है, नव रत्न होता है, नवदा भक्ति होती है, नवरात्र होते हैं, 9 तपा होते हैं और शरीर में 72,000 नाड़ियां, उनका जोड़ भी 7×2=9 होता है। हृदय को रक्त प्रवाहित करने वाली 108 नाड़ियां हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है और माला के मणिये भी 108 होते हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है। तो ये जो 9 का सगुन है, इस सगुन के आधार पर जो बजट लेकर आए हैं, अभी चर्चा चल रही थी, माननीय मुरारजी देसाई जी ने 6 बार बजट पेश किया और वो 100 साल तक जिए। अब निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार बजट किया है, तो 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे। यह इस 9 का और 7 का महत्व है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। संसदीय लोकतंत्र की बात हुई, इस लोकतंत्र की बात में कहा गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में बोल रहे थे तो उनको बोलते समय हल्ला करके वॉकआउट किया गया, भारत की लोकसभा में उनका गला घोट दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ बहुत बड़े संत राघवाचार्य जी, एक बार मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था, गीता में एक शब्द आता है समाधिस्थ कह केशव, कहे केशव समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ कौन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं समय आने पर बताऊंगा। तो जिस दिन लोकसभा की कार्रवाई हुई और कांग्रेस ने हंगामे माने, प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, उस समय दूसरे दिन सुबह आचार्य जी का, राघवाचार्य जी का फोन आया, बोले घनश्याम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, प्रणाम महाराज, बोले तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूं, क्या कि कल भारत की लोकसभा में जो वाह उससे पता लग गया कि स्थित प्रज्ञ कौन है, नरेंद्र मोदी स्थित प्रज्ञ आदमी है, क्योंकि जो कुछ करते रहे वो निरपेक्ष भाव से जो कुछ करना है, 2.5 घंटे तक भारत की संसद में बोलते रहे। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं से कहता हूं कि राजनीति मोदी जी के लिए कोई स्वार्थ का विषय नहीं है, राजनीति उनको राष्ट्र को समर्पित है और इसलिए वो समझे, इदम न मम इदम राष्ट्राय इदम न मम स्वाहा करके वो काम कर रहे हैं। कृपया जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाएं, नरेंद्र मोदी की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाएं, यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। ये बात है, यहाँ सभापति महोदय दो बहुत बड़ी बात हुई। पहली बात हुई कि ये विकसित भारत की बात करते हैं और ये करते हैं, तो वर्तमान जो बजट है उसमें 3 बड़ी बात, एक तो वो वर्तमान पर है, एक भूत के ठोस धरातल पर है और एक भविष्य के चिंतन के साथ। वर्तमान में तो इसलिए है कि सारी जो 9 बिंदु है उन पर कितना कितना खर्च होगा वो सारा सब माननीय जो बताया, मैं उस पर नहीं बताना चाहता, लेकिन 10 साल का जो ठोस धरातल है जिसके ऊपर खड़ा है सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार, सबसे अधिक एक्सपोर्ट, डिफेंस में प्रगति, वित्तीय कोष पर नियंत्रण, गरीब कल्याण योजनाओं में सर्वोच्च और भारत की 7% से बढ़ती हुई जीडीपी, इसके आधार पर खड़ा हुआ और भविष्य का चिंतन, नीति आयोग की मीटिंग के आधार पर उसमें कहा गया कि जब तक भारत के प्रत्येक नागरिक का 1,25,000 रुपए महीने की आय नहीं होगी तब तक, और 15 लाख रुपए साल की आय नहीं, कम से कम नहीं होगी तब तक विकसित भारत नहीं होगा। उस प्रकार का भारत बनाने के लिए दृढ़ सोच के साथ आए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये वर्तमान का भी बजट है,
ये भूत का भी बजट है और भविष्य का भी बजट है। इस रूप में इस बजट को हमको देखना चाहिए। ये कहा गया माननीय समाप्ति महोदय यहाँ पर कि इस बजट में इस प्रांत को कुछ नहीं मिला, इस प्रांत को कुछ नहीं मिला, उसमें राजस्थान का भी नाम लिया माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कि राजस्थान को भी कुछ नहीं मिला। तो मैं माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी मंत्री महोदय बैठे हैं, तो राजस्थान में क्या मिला, पाली मारवाड़ और जोधपुर के पास सब बीच में 30-30 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान को मिला जिसमें 1500 एकड़ का है और 40,000 आदमियों को रोजगार मिलेगा। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान को मिला सब। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो पहला है दिल्ली से बंबई का 1,200 करोड़ का, वो सब राजस्थान को मिला और राजस्थान में पूरा हो रहा है। इस सरकार के आने के बाद में जल संसाधन मंत्री थे माननीय गजेंद्र सिंह जी, उस समय राजस्थान की सरकार में, हरियाणा की सरकार में और भारत सरकार में इनके प्रयत्न से समझौता हुआ और समझौता होने पर गंगा जमुना के पानी पर जो 30 वर्ष 1994 से अटका हुआ था वो पानी राजस्थान और हरियाणा को देने का तय हुआ। उसके लिए ईआरसीपी के ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए और शेखावाटी के चार जिले सीकर झुंझुनू चूरू नीमका थाना के लिए यमुना को पानी के लाने के लिए 80% पैसा भारत सरकार ने देने का तय किया। ये राजस्थान को मिला माननीय सभापति महोदय। इसी प्रकार पिछले वर्ष 8,000 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्थान सरकार को मिला। इस प्रकार राजस्थान के बजट में और राजस्थान इस सरकार से राजस्थान के बजट में मिला। उपसभापति मुझे एक बात समझ में नहीं है, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बार बार कहते हैं कि हम जीत गए, कांग्रेस बीजेपी हार गई, आम आदमी पार्टी के लोग भी कहते बीजेपी हार गई। अरे भाई बीजेपी हार गई तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ कैसे ली, और बीजेपी हार गई तो फिर निर्मला सीतारमण जी बजट क्यों पेश कर रहे हैं, और आप कहां से जीत गए। तो हमारे यहाँ एक कहानी चलती है कि दो पहलवान लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को चारू खाने चित कर दिया, उसको धरती पर उसकी पीठ लग गई। तो रेफरी ने कहा ये जीत गया, वो नीचे वाला कहा नहीं ये नहीं जीता, मैं जीता हूं। क्यों, बोले मैं आकाश की ओर देख रहा हूं, अरे धरती की ओर देख रहे हैं। तो ये तो आकाश की ओर देख कर हम जीत गए, चारों खाने चित हुए, नॉर्थ ईस्ट में हार गए, पश्चिम में हार गए, तमिलनाडु को केरल को छोड़कर दक्षिण में हार गए, सब जगह दिल्ली में ये वो कर रहे थे, सब के सब दिल्ली भी सातों के सातों सीट हार गए, फिर भी आप वाले कहते हमको दे रहे उपदेश कि आप हार जाओगे, ऐसा करो ऐसा करो। तो ये अभी तक ये फैसला हुआ नहीं कि कौन हारा और कौन जीता। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कहावत है, यहाँ पर दो बड़ी बात कही गई है, एक तो कृषि के बारे में कही, कृषि के बारे में कहा कि किसान किसान आपके खिलाफ, किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। मैं उस सभापति महोदय कुछ समय पूर्व ले जाना चाहता हूँ, मैं बचपन से था तब से पॉलिटिक्स में हूँ और मैं पढ़ता रहा हूँ, तो मैंने कांग्रेस पार्टी का भी बहुत अच्छा पढ़ा है। कांग्रेस पार्टी ने नागपुर अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे और आवड़ी के अधिवेशन में एक प्रस्ताव लेकर आए थे कि भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग लागू की जाए और प्रस्ताव पास करने की स्टेज तक पहुंच गया था। वो प्रस्ताव था कि सारे जमीनों किसानों का जमीनों का मालिकाना हक समाप्त कर दो और किसान का मालिकाना हक समाप्त करके वो हक सारी गांव का एक कोऑपरेटिव फार्म हो जाए, और इस प्रकार किसान का जमीन से अधिकार खत्म करना चाहते थे। उस समय मैं याद रखना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, भारत रत्न माननीय चौधरी चरण सिंह जी उस समय खड़े होकर कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने जबरदस्त खिलाफत की और महावीर त्यागी ने उनका समर्थन किया और पंडित जी को, जवाहरलाल जी नेहरू को कोऑपरेटिव फार्मिंग का
किसान की जमीन का मालिक समाप्त करने का जो कानून था, जो प्रस्ताव पास करे थे, वो प्रस्ताव उनको वापस लेना पड़ा। अगर वो प्रस्ताव आज पास हो जाता तो एक किसान के पास एक बीघा जमीन नहीं होती। इसलिए कांग्रेस तो शुरू से किसान के खिलाफ रही। कांग्रेस का किसान से लेन देन क्या रहा है और इसी प्रकार के काम किए थे। मैं सभापति महोदय, अभी चर्चा और थी किसान की, यहाँ पर महेंद्र सिंह जी टिकैत के नेतृत्व में उसी समय कांग्रेस के राज में इतना बड़ा किसान आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने 15 दिन तक कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ और कांग्रेस पार्टी को किसान विरोधी आप सुन लीजिए, हाँ हाँ वो आए वो काम की और किसान के साथ कई बार, एक बार नहीं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस ने कि कौन सी चीज है जो बाजार में नीलाम होती? किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन नीलाम होता है? कोई काम नीलाम होता है? किसान की केवल मात्र है जमीन उपज, जिसको उसको मजबूरी में लाकर नीलाम करना पड़ता है। आज समय था कि इस प्रकार की खेती को लागू की जाए। सभापति महोदय, आपने प्रमोद जी तिवारी को कहा था कि सर्टिफाइड फार्मर नहीं है, लेकिन मुझे आपने और सुरजेवाला जी ने दोनों ने सर्टिफाइड फार्मर घोषित किया हुआ। नहीं मान्यवर, मैंने आपको राजस्थान विधानसभा में भी सर्टिफाइड फार्मर घोषित किया आज से 30 साल पहले। तो मैं सर्टिफाइड फार्मर हूँ और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नीरज जी मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पंडित जी की एक खासियत है, आप कितना ही कर लो किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। नहीं किसान को चक्रव्यूह में फंसने देंगे? नहीं किसान को भी नहीं फंसने देंगे। और दूसरी मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय कि जब किसान की बात करते हैं और अभी कह रहे थे साहब ये जाति जनगणना करो, मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि अभी जब माननीय राष्ट्रपति महामहिम राम राष्ट्रपति महोदय नई संसद नई चुनाव लोकसभा के बाद में आए थे भाषण देने के लिए, तो मैं जयराम जी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आगे तो चल रही थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शेड्यूल ट्राइब से, उनके पीछे चल रहे थे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी, वो ओबीसी से हैं, उनके पीछे चल रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो ओबीसी से हैं, और मैं बेचारा गरीब ब्राह्मण इनकी आरती उतार रहा हूँ, इससे ज्यादा और हमारा क्या करना चाहते थे मुझे बताओ। मैं कांग्रेस कहता हूँ और इससे ज्यादा वो हमारा क्या करना चाहते थे। तो एक फिर हलवे पर आ गए, हलवा बनाया, तो वहां पर जो अफसर थे उनकी फोटो दिखा रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हलवा बनाया जो खाने वाले लोग थे वो आज के दिन तो यूपीएससी से सिलेक्शन होकर सेक्रेटरी नहीं बने। वो जिस समय यूपीएससी से सिलेक्ट हुए उस समय सबका सब कांग्रेस का राज था।